देखिए, जो हमारा रिसेंटली रेनफॉल हुआ है उसकी वजह से वुलर में, झेलम में वाटर लेवल राइज हुआ। हम लोग ये सिचुएशन, हमारा कंट्रोल रूम जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट जो है, ये पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो हमारा जो वाटर लेवल है वो जो डेंजर लेवल है उससे नीचे ही है, वैसा ही बना रहा। और आप जानते हैं कि जो रिसेंटली एफर्ट्स हुए हैं ड्रेजिंग के वुलर के, उससे वुलर की कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। उससे जो अमूमन पहले जो उसकी कैपेसिटी रहती थी, जितना पानी आता था उससे ज़्यादा अभी कैपेसिटी उसकी है। इसमें INFC को, डिपार्टमेंट को और बाकी जितने भी हमारे दीगर महकमे हैं, खासतौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको डायरेक्शन दी गई थी कि जो बंड्स हैं उनको चेक करें कि वो पूरी तरीके से मजबूत रहें। जहाँ पे बंड वीक नज़र आए हैं वहाँ पे उसको स्ट्रेंथनिंग किया गया है। आपने देखा होगा संभल में और कुछ एक जगहों में इसकी स्ट्रेंथनिंग भी की गई है। वुलर का जो इलाका है इस पर भी मॉनिटर किया जा रहा है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट, जो फ्लड मैनेजमेंट प्लान है, वो पूरी तरह इन प्लेस है, तो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हम रेडी हैं।